नमस्कार दोस्तों, मैं सीधे श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय महिला वनडे और टेस्ट टीम की कप्तान मिताली राज ने एक दिन में दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार को तीसरे वनडे मैच में मिताली राज महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई। साथ ही वे दुनिया में सबसे ज़्यादा वनडे मैच जीतने वाली कप्तान भी बन गई हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए तीन मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में मिताली राज ने इतिहास रच दिया है। 75 रन की नाबाद पारी खेलने वाली मिताली राज इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इतना ही नहीं, मिताली राज ने लगातार तीसरा अर्धशतक लगाते हुए भारत को 4 विकेट से जीत भी दिलाई। 38 साल की मिताली अपनी इस पारी के दौरान 11 रन बनाने के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई। मिताली राज अब महिला क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। बता दें, इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में मिताली राज ने बेहद ही शानदार बल्लेबाजी की। तीनों मुकाबलों में मिताली राज ने अर्धशतक जड़े। पूरी सीरीज के दौरान मिताली राज एक छोर पर बेहद ही मजबूती के साथ डटी रही। मिताली राज ने पहले वनडे में 72 रन बनाए। दूसरे वनडे में मिताली राज 59 रन की नाबाद पारी खेलने में कामयाब हुई, जबकि तीसरे वनडे में नाबाद 75 रन की पारी खेलकर टीम को क्लीन स्वीप होने से बचा दिया। मिताली इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा अर्धशतक और सबसे ज़्यादा चौका लगाने वाली खिलाड़ी रहीं। बता दें कि 16 साल की उम्र में डेब्यू करने वाली मिताली राज ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 22 साल पूरे किए हैं। सचिन तेंदुलकर के अलावा 22 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।